हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी पंजाबी रसोई में। आज हम बनाएंगे मटर मशरूम। सबसे पहले पैन को गरम कर लें। गरम होने पर उसमें 2 चम्मच तेल डालें। तेल गरम होने पर उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यदि आपका पेस्ट तैयार नहीं है तो आप मिर्च, अदरक और लहसुन को बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने पर इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। इसे अच्छे से पका लेंगे। अब हम पैन को ढक देंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं और पक जाएं। 4 से 5 मिनट तक पकने दें। हमारा मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर और पकाएंगे और इसे तब तक पकाएं जब तक पानी सूख ना जाए। अब इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालें, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और इसे अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। 2 से 3 मिनट तक मसाले को पकाएं। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप के डालेंगे। आप इसकी जगह टमाटो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं। ये केचप हमारे मसाले को एक अच्छा फ्लेवर देगी और सब्जी का कलर भी काफी अच्छा हो जाएगा। इस मसाले को थोड़ा सा और पका लेते हैं। ये देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आ गया है और कितने अच्छे से पक भी गया है। इसमें हम कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे। कोरिएंडर लीव से हमारी सब्जी में काफी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम मसाले में 1 कटोरी बॉइल्ड मटर डालेंगे। मेक श्योर मसाले में मटर डालने से पहले आपके मटर अच्छे से बॉइल्ड हों। बिना बॉइल्ड मटर डालने से मटर कच्चे रह जाएंगे। इसे मसाले के साथ मिक्स करेंगे और थोड़ा पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। पानी की क्वांटिटी हमारे हाथ में है। आपको सब्जी की ग्रेवी कितनी थिक चाहिए तो थोड़ा कम पानी डाल ले। अगर थोड़ी ज्यादा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग पानी थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए। इसे थोड़ी देर ढककर रख देते हैं और 4 से 5 मिनट पकने देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी की ग्रेवी एकदम तैयार हो गई है। अब हम इसमें मीडियम साइज में कटा हुआ मशरूम डालेंगे।
और ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। धीमी आंच में 8 से 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर और पकाएंगे। पैन को कवर कर देते हैं ताकि हमारी सब्जी अच्छे से पक जाए और धीमी आंच में 8 से 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। और ये हमारी मटर मशरूम की सब्जी तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैप्टन पंजाबी रसोई में। आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में मटर पनीर। सबसे पहले पैन को गरम कर लें, उसमें 2 चम्मच तेल डालें। देखिए तेल गरम हो गया है। इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को अच्छे से भून लें। इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इन तीनों को मिक्सी में भी ग्राइंड करके आप पेस्ट बना सकते हैं या फिर बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने पर इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। और अच्छे से पका लेंगे। पैन को हम ढक देंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं और पक जाएं। ये देखिए हमारा मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे और पकाएंगे और इसे तब तक पकाएं जब तक पानी सूख ना जाए। अब इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालें, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। दो से तीन मिनट तक मसाले को पकाएं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप के डालेंगे। ये केचप हमारे मसाले को
एक अच्छा फ्लेवर देगी और एक अच्छा कलर भी आ जाएगा। थोड़ा सा और पका लें। देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आ गया है और ये काफ़ी अच्छे से पक भी गया है। अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। थोड़ी देर और पकाएंगे। अब इस मसाले में हम एक कटोरी बॉइल्ड मटर डालेंगे। मटर को मसाले में डालने से पहले बॉइल जरूर कर ले, नहीं तो मटर थोड़े कच्चे रह जाएंगे। इसे मसाले के साथ मिक्स करेंगे और थोड़ा पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे थोड़ी देर और पकाने के बाद हम इसमें पानी और ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी हमारे हाथ में है कि आपको सब्जी की ग्रेवी कितनी थिक चाहिए। इसे थोड़ी देर ढककर रख देते हैं और 4 से 5 मिनट तक पकने दें। ये देखिए हमारी सब्जी की ग्रेवी एकदम तैयार है। अब हम इसमें कटा हुआ पनीर डालेंगे। और ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। पैन को कवर कर देते हैं ताकि हमारी सब्जी अच्छे से पक जाए। इसे हम 10 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। आप देख सकते हैं अब पनीर भी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गया है। हमारी मटर पनीर की सब्जी तैयार हो गई है।